आज अपन पढ़ रहे हैं वापस नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था बॉन और बॉन के अंदर एक्सेल बॉन के बारे में पढ़ा था एक्सेल स्कल्चर सिस्टम और अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्कल्चर सिस्टम जिसके अंदर लगा देता हूं जी करें भैया स्टार्ट जी देखिएगा एक पोर्शन अपने स्कल्चर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट पढ़ दिया था अब अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड के अंदर एट्टी बॉन जो अपने हैं वो पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा और अभी 126 बॉन पढ़ेंगे वो पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे जिसके अंदर स्कल्चर सिस्टम दो भागों में अपन डिवाइड किया था सबसे पहले है एक्सियल स्कल्चर सिस्टम और दूसरा था अपेंडिकुलर स्कल्चर सिस्टम एक्सेल के अंदर अपन पढ़े थे 80 बोन जो एक्सेल का मतलब होता है सेंटर ऑफ द बॉडी के सेंटर के अंदर दूसरा है अपेंडिकुलर मतलब पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी जिसके अंदर टोटल बोन कितनी थी 126 तो 80 बोन का आपने विवरण कर दिया था आज पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड अपेंडिकुलर स्कल्चर सिस्टम जिसके अंदर 126 बोन के बारे में क्या करेंगे वर्णन करेंगे एक एक बोन के बारे में पढ़ेंगे अब देखिएगा स्टार्ट करते हैं 126 बोन कैसे होगी अपेंडिकुलर स्कल्चर सिस्टम अगेन डिवाइडेड इन द टू पार्ट फर्स्ट है अपर एक्सट्रीमिटीज और दूसरा है लोअर एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज और दूसरा है लोअर एक्सट्रीमिटीज यदि मैं बोलूं अपर लिम्ब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपर लिम्ब और ये है लोअर लिम्ब इसको इस नाम से यदि अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब ये हाथ है दोनों हाथ राइट और लेफ्ट हैंड है इसको एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं तो ये ऊपर वाला है या अपर लिम्ब है और दूसरा है पैर जो है लोअर लिम्ब है ना या लोअर एक्सट्रीमिटीज अब इसके अंदर कितनी कितनी बोन होती है वो देखिएगा इसके अंदर देखिएगा कि इसके अंदर अपर एक्सट्रीमिटीज होती है उसमें 30 होती है 30+30 एक हाथ के अंदर ये वाला हाथ है यहां से यहां तक जो इसके अंदर कितनी बोन होगी 30 बोन होगी इसके अंदर भी 30 बोन होगी तो 30-30 कितना हुआ 60 और इसके अंदर कितना बोन होगा 30 बोन + 30 बोन कितना हुआ 60 बोन होगा और 60 कितना हुआ 120 अब कितना घटा 6 बोन घटा तो 6 बोन घटा है तो वो अपने किस में रखेंगे एक रखेंगे पेल्विक ग्रिडल जो पेल्विक बोन जिसमें दो काउंट करेंगे दूसरा है शोल्डर गिर्डल कितनी बोन होगी 4 बोन ठीक है ना तो 4 बोन ये शोल्डर गिर्डल वाला रहेगा दूसरा रहेगा पेल्विक ग्रिडल जिसके अंदर दो बोन रहेगी 4 और 2 कितनी हुई 6 और 60 कितना हुआ 120 तो कितना टोटल कितना हो गया 126 तो इस बोन के बारे में पढ़ेंगे आपको वहां पे डायग्राम में भी दिखाएंगे थोड़ा दिखेगा नहीं नीचे की तरफ है देखिएगा हम आपको थोड़ा एक एनाटॉमी स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि कौन कौन सी बोन थोड़ा सा कैमरा को भैया जूम कीजिए ठीक हाँ बस इतना रहने दीजिए देखिएगा ये वाला है एक्सियल स्कल्चर सिस्टम पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी जिसके अंदर अपर लिम्ब ये वाला है जो अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटी दूसरा है ये पैर दिख रहे हैं ये वाले लोअर एक्सट्रीमिटी तो इसके अंदर कितनी बोन होगी यहां से लेकर के यहां तक कितना बोन हुआ 30 बोन और 30 बोन इसमें भी होगा 30 इसमें और 30 इसमें कितना हुआ 60 उसी हिसाब से इसे भी 30 और 30 होगा कितना हुआ 60 और 60 कितना हुआ 120 उसके बाद में बात करें कि ये वाला शोल्डर है तो यहां पे 2 बोन इधर होगा और 2 बोन इधर होगा तो 2 और 2 कितना हुआ 4 हो गया हुआ कि नहीं हुआ भैया दिख रहा हूं ना जी हाँ ठीक है तो ये 2 बोन इधर 2 बोन इधर ठीक है दूसरा है ये वाला पेल्विक वाला पार्ट
ये वाला पेल्विक वाला पार्ट। तो ये पेल्विक जो पार्ट है इसके अंदर जिसको पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं, और पेल्विक ग्रिडल के अंदर कितनी बोन होती है, दो बोन होती है। भैया कैमरा को घुमा दो, वो एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, और उसके बाद में अभी बात करते हैं कि सबसे पहले अपन करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज या अपर लिम्ब, अपर लिम्ब जिसमें एक टोटल बोन है 60, साइड 30 होगा राइट, राइट हैंड के अंदर, और 30 होगा लेफ्ट हैंड के अंदर। होगा क्या? होगा, होगा, होगा क्यों नहीं? आज भी क्लास बहुत धासु जाने वाली है भैया, आज भी क्लास बहुत अच्छे से होने वाली है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ में। एक एक बोन के बारे में पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले अब करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज की बात, है ना। अपर एक्सट्रीमिटी मतलब हाथों की बात करने वाले हैं, हाथों के अंदर कितनी बोन है, 60 बोन है, 30-30 बोन है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले बोन देखिएगा कि अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर है ह्यूमरस, 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 उसके बाद में पढ़ेंगे रेडियस, अल्नर, रेडियस, अल्नर, उसके बाद में पढ़ेंगे कार्पल, उसके बाद में पढ़ेंगे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, उसके बाद में पढ़ेंगे फेलेंजेस, फेलेंजेस, उसके बाद में पढ़ेंगे फेलेंजेस। हो गया। अब देखिए ह्यूमरस, ह्यूमरस कितना होता है, 1 + 1 = 2। रेडियस कितना होगा, 1 + 1 = 2। अल्नर कितना हुआ, 1 + 1 = 2। कार्पल कितना हुआ, कार्पल, कार्पल हुआ 8 + 8 = 16। उसके बाद में मेटाकार्पल कितना हुआ, 5 + 5 = 10। फेलेंजेस कितना हुआ, 14 + 14 = 28। टोटल बोन कितनी हुई, 7। 2, 4, 6, 12, 12 + 8 = 20। 20 में 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, ठीक। टोटली अपन का सही है। अब ह्यूमरस जिसमें एक बोन ये राइट का है और ये लेफ्ट पार्ट का है, तो राइट और लेफ्ट दोनों राइट लेफ्ट लिखाया है, तो ह्यूमरस बोन, भैया वो वाला हड्डी दे दो, ये वाला दे, ये वाला, ये वाला फर्स्ट वाला, हाँ देखिए ह्यूमरस, ये है ह्यूमरस, ठीक है, ये हड्डी है, और इस हड्डी को देखिएगा कि इस हड्डी के अंदर आप देखिएगा ये वाला, ये स्केलेटल सिस्टम है जिसके अंदर हड्डी की बात करें तो ये हड्डी, ये यहाँ पे जॉइंट है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला। तो पहचानने का तरीका देख लीजिएगा कि ये जो शोल्डर वाला पार्ट होता है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसके अंदर ये अटैच रहता है ना, बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के अंदर ये, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो पहचानने का तरीका आपको मालूम आना चाहिए कि ये ह्यूमरस बोन है या कौन सी बोन है, बहुत सारी बोन होगी और मिक्स हो जाएगी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ह्यूमरस बोन, ठीक है। दूसरा देखिएगा, इस हड्डी का काम हुआ पूरा, उसके बाद में उसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ेंगे,
वो बाद में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन सी इससे ऊपर जुड़ा हुआ होता है, कौन सी इससे नीचे जुड़ा हुआ होता है, कौन कौन सी बोन है, उसके बोन है, लिगामेंट है, टेंडन है, मसल्स है, कौन कौन सा उसके ऊपर रहता है, क्या उसका फंक्शन होता है, उसके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। तो अब अपने ह्यूमरस बोन है वो एक बोन होती है एक हाथ में और एक हाथ में इधर, टोटल कितनी बोन होगी, टू, ये बोन, ये हो गया। दूसरा है रेडियस, रेडियस होगी वन प्लस वन, तो कितना हुआ, दो। अब देखिएगा रेडियस और अल्ना, ये हाथ है, ये यहाँ के हाथ की हड्डी अपन पढ़ लिया है, ये ह्यूमरस हड्डी है, उसके बाद में यहाँ पे जो हड्डी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, तो ये है रेडियस और ये है अल्ना, देखो ये है रेडियस, ये रेडियस और अल्ना, तो ये दो दो बोन होती है, तो ये आपकी जो हड्डियां होती है और ये ह्यूमरस हड्डी होती है, इस ह्यूमरस हड्डी वाला है पार्ट है वहां पर ये ऐसे जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ये वाला ऐसा पार्ट ऐसा जुड़ा होता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये अपने ये नीचे वाला पार्ट, ये यहाँ का है और ये है अपने यहाँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये हाथ है, ये हाथ है, इस हाथ के ये अंगूठा साइड में कौन सी होगी, अंगूठा साइड में कौन सी होगी, देखो अंगूठा साइड में रेडियस होगी, अंगूठा वाला पार्ट है ये, अंगूठा वाला पार्ट है ये अंगूठा, तो यहाँ पे रेडियस होगी। ये जो हड्डी है देखिएगा, आज तो आपको हड्डी को मैं निकाल के बताऊंगा कि हड्डी का देखिएगा, ये वाला हाथ तो इसके अंदर अंगूठा वाला पार्ट है वो रेडियस होगा, अंगूठा वाला पार्ट क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। और अल्नर पार्ट है, अल्नर वाला पार्ट है वो उस साइड में होगा, ठीक है। देखिएगा यहां पे देखिए, ये अंगूठा वाला पार्ट है, ये अंगूठा है, ये अंगूठा वाला पार्ट है और उस अंगूठा वाला पार्ट पे ये क्या है, रेडियस है। मैंने आपको बोला था कि अंगूठे वाले पार्ट पे रेडियस होगा और दूसरा जो फिंगर वाला है, ये छोटी वाले फिंगर है, उस फिंगर के साइड में कौन सी होगी, अल्नर होगी। अब देखिएगा इसका एक ट्रिक बताता हूं, देखिए ये रेडियस और अल्नर है, तो उसके अंदर ट्रिक की बात करें तो देखिएगा कि थंब वाला पार्ट है, थंब वाले पार्ट के अंदर रेडियस होगा, रेडियस होगा, और फिंगर वाला पार्ट है उस साइड में कौन सा होगा, अल्ना। अब उसके अंदर कंफ्यूजन हो जाएंगे, एग्जाम के अंदर आएगा थंब अंगूठा वाला पार्ट में कौन सी बोन होगी, तो आपका कौन सी होगी, रेडियस होगी, क्योंकि अल्ना है वो अंगूठा नहीं हो सकता। ऐसे याद रखना कि अल्ना है वह अंगूठा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि अल्ना जो अल्नर बोन है वो अंगूठा के साइड में नहीं होगी। जब अल्नर अंगूठे के साइड में नहीं है तो अंगूठे वाले साइड में क्या रहेगी, रेडियस बोन रहेगी। तो अपने ये भी तीन बोनों के बारे में बात कर लिया। दूसरा बोन है कि रेडियस अल्नर सिमिलर दिख रही है, कैसे कंफर्म करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक एग्जामिनर प्रैक्टिकल ले रहा है और उसको आपको बहुत सारी बोन रख दी और बोलेंगे रेडियस निकालो या अल्नर लिखाओ, तो देख लेना रेडियस ये है अल्नर ये है। ध्यान ये रखना है कि इसमें जो खास दिखाई दे रही है ये वाला, तो ये क्या है, अल्ना है, अल्ना के अंदर क्या रहेगा, ये खास रहेगी। अब तो पहचान पाओगे, ठीक, ये लो, इस हड्डी का काम हुआ कंप्लीट, ये अपन यहां तक हड्डी बता दिए। दूसरा है कार्पल, कार्पल कितनी बोन होती है, आठ बोन होती है, आठ बोन कार्पल, आठ इधर होती है। देखिएगा भैया कैमरा घुमाओ, देखो ये बोन है, ये वाला कार्पल हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया ये कार्पल वाला हो गया, और ये हो गया कार्पल, ये हो गया मेटाकार्पल, ये हो गया कार्पल, ये हो गया मेटाकार्पल, और ये हो गया फेलेंजिस। इस बात को ध्यान रखना है, ये हाथ आया है अपने यहां पे जो वृष जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है ना, ये वाला जो जॉइंट है इसको वृष जॉइंट बोलते हैं, और यहां पे जो बोन होती है आठ बोन होती है, छोटी छोटी छोटी, जैसे अपने गोल गोल होते हैं ना, क्या होते हैं भैया गोल गोल, क्या बोलते हैं,
गोल गोल कोई भी पत्थर के टुकड़े होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं पत्थर हाँ पत्थर जाते हैं तो उसको जैसे वहां पर रखा हुआ है वहां से गोल गोल लाओ वहां पे लाओ पूरा मूर्ति पकड़ के ले आओ पूरा हाँ ये इसमें तो और भी है छोटी ऐसे ऐसे बोन होगा तो यहाँ पे टोटल 8 बोन है जो ऐसे ऐसी बोन होती है वहां पे यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है यहाँ पे यहाँ यहाँ पे जो ये जॉइंट होता है ना उस जॉइंट के आसपास में जुड़ी हुई रहती है हाँ 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 आ गई भाई ये वाला ये छोटी छोटी बोन है देखो ये सब छोटी छोटी बोन है तो ये जो बोन होती है वो यहाँ पे जुड़ी रहती है ठीक है तो ये कार्पल बोन होती है टोटल 8 बोन होती है मैं अभी आपको नाम लिखवाऊंगा ठीक है दूसरा है आपका मेटाकार्पल कार्पल के बाद में मेटाकार्पल कार्पल के बाद में मेटाकार्पल ये कार्पल होगी और उसके बाद में ये होगी मेटाकार्पल मेटाकार्पल कितनी है 5 कितना टोटल हो गया 10 ये देखो ये मेटाकार्पल 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये 5 है मेटाकार्पल ये कार्पल 8 और ये 5 कितनी होगी 5 होगी मेटाकार्पल हाथ के अंदर देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको ये है देखो ये अपने कार्पल बोन 8 देखो ये 8 है और उसके बाद में ये बोन है 5 बोन है वो है मेटाकार्पल यदि आप हाथ में देखोगे तो हाथ में आप यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे करते घुमाइए उसमें आपको दिखेगा 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 है तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पल अब उसके बाद में फेलेंजेस की बात करें तो फेलेंजेस मतलब अंगुलियां कितनी हो गई 40 ये देखो ये है यहां से ये वाला पार्ट है वो फेलेंजेस है जैसे मेरा हाथ है अब हाथ के अंदर ये जो मुड़ा हुआ है ये है फेलेंजेस है ना ये वो जो मुड़ा है कर रहा है फेलेंजेस है जिसके अंदर 14 की बात किया है तो इसके देखो यहाँ पे कितना होता है 1, 2, 3 ये 3 है अलग अलग प्रोक्सिमल और मिडल और डिस्टल ये 3 पार्ट होते हैं तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें बट अंगूठा के अंदर कितनी होती है 2, 3, 6, 9, 12 और उसके बाद में 2 के कितना हो गया 14 तो 14 टोटल होती है तो इसके अंदर 3 बोन रहेगी और इसके अंगूठे के अंदर 2 बोन रहेगी टोटल हो गया 14 कितना हुआ कितना हो गया 28 ठीक है तो अल्नर कार्पल और उसके बाद में मेटाकार्पल जो 10 है और फेलेंजेज हो गया 14 ठीक है टोटल हो गया 60 बोन अब देखिएगा थोड़ा माइक्रोफोन था उसका अपने वायर खुला रह गया था जिसके अंदर हो सकता है कि वॉइस कम रहे कोई दिक्कत नहीं है आपने क्लियर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है अब अपना आपको मैं आपको जो कार्पल बोन है जो 8 बोन होती है उसका नाम लिखाऊंगा उसके बाद में लोअर एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात करेंगे देखिएगा कार्पल की बात करें कार्पल बोन कितनी होती है 8 बोन के अंदर ट्रेपेजियम दूसरा होता है कैपिटेट तीसरा होता है हेमेट उसके बाद में है पीसी फॉरम ल्यूमेट उसके बाद में है ट्राइक्यूट्रम उसके बाद में है स्केफॉइड ठीक है ना तो ये बोन होती है तो ये सारी बोन होती है वो एक एक होती है 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1 ठीक है तो कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका मतलब है कि एक बोन और छूट गया है ठीक है ट्रेपेजॉइड
ट्राइक्यूट्रम है, ट्रेपेजॉइड होगा वो एक बोन होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है ना, टोटल आठ बोन हो गई। तो ये पिसीफॉर्म होती है, सबसे छोटी होती है पिसीफॉर्म। कहाँ गई, हाँ ये रहा। तो ट्रेपेजियम, कैपिटेट, यूमेट, पिसीफॉर्म, ल्यूमेट, ट्राइक्यूट्रम और ट्रेपेजॉइड और स्केफॉइड, तो ये टोटल आठ बोन हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं, वीडियो चल रहा है ना भैया या बंद हो गया? ठीक, तो ये आठ बोन हो गई। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं फेलेंजेस, 14 बोन हो गया। उसके बाद में लोअर एक्सट्रीमिटीज या लोअर लिम्स, जिसके अंदर 60 बोन की बात कर रहे थे। सबसे पहले अपन बात करें फीमर, सबसे पहले जो बात करेंगे वो कौन सी है, फीमर। दूसरा है टीबिया, उसके बाद में है फिबुला, उसके बाद में है टार्सल, उसके बाद में है मेटाटार्सल, उसके बाद में फेलेंजेज। देखिएगा, फीमर होती है वो 1+1=2, टीबिया होती है 1+1=2, फिबुला होता है 1+1=2, टार्सल टांग की बांध, टार्सल है ना, टार्सल होती है 7+7=2, मेटाटार्सल होगा 5+5=, कितना हुआ अपने 10, और फेलेंजेज हो गया 14+14=, कितना हुआ 28, 8, 10, 12, 14, 16, 36 फीमर, उसके बाद में टीबिया, फिबुला और उसके बाद में टार्सल, और टार्सल और उसके बाद फेलेंजिस और उसके बाद में एक आएगी पटेला हो गई 1+1=2, तो कितना हुआ 28 × 2 = 30, 30 × 10 = 40, 40 × 2 = 4, 6, 8। देखिएगा, टोटलिंग यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, 7+7 यहाँ पे 2 लिख दिया था, तो यहाँ पे 14 लिखना था। फीमर टोटल 2 होती है, टीबिया 2, फिबुला 2, टार्सल 7, 7, 14, मेटाटार्सल 10, 5, 5 और फेलेंजेज 14, 14, 28 और पटेला बोन होती है वो 1+1=2 होती है, 2 होती है, टोटल कितनी होगी 60 बोन। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं फीमर की। तो फीमर की बात करें तो ये फीमर बोन है, ये फीमर है, इसके अंदर फीमर बोन के बारे में ये है लॉन्ग बोन। मैंने आपको एक पहले लिखाया था फर्स्ट में कि सबसे स्मॉल बोन की कौन सी थी, ईयर के अंदर कौन सी बोन, स्टेपीज, और ये जो बोन है वो कौन सी बोन है, फीमर है और सबसे लंबी बोन है, दिख रही है ना लंबी बोन। देखिएगा इसमें, देखिएगा स्ट्रक्चर के अंदर, देखिए देखो इसमें क्या है, ये है फीमर, यहाँ पे देखिएगा ये वाला फीमर, ये यहाँ पे, ये इस हिसाब से स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे रहती है, तो ये आपने देखा होगा कि ये है ये फीमर, तो सबसे बोन है फीमर। देखो आपको पहचानने में भी आ जाएगा कि सबसे बड़ी बोन है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा उसके बाद में है टीबिया, अब देखो लाओ टीबिया दीजिए, ओह
ये रही टीबिया और उसके बाद में दे दीजिए फिबुला, टीबिया और फिबुला, ये रहा, ये है टीबिया और फिबुला। ठीक है, टीबिया रहेगा वो थंब वाले पार्ट पे रहेगा, जो अपने जो पैर है, पैर का जो थंब वाला पार्ट है वो टीबिया रहेगा। ठीक है, थंब वाला जो अंगूठा वाला रहेगा, पैर का अंगूठा है वो टीबिया रहेगा साइड में, और उसके साइड में दूसरे साइड में क्या रहेगा, फिबुला। ये है टीबिया, ये है फिबुला। ठीक है, ये है टीबिया, ये है फिबुला, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टीबिया फिबुला और यहाँ पे टार्सल था, हाथ के अंदर जो जो बोन थी वो कार्पल थी और यहाँ पे है टार्सल। ध्यान रखना है कि कार्पल बोन कितना था, कार्पल बोन था कितना, 8 आउट 16 था कार्पल, कार्पल टोटल कितनी थी, 16 थी, 8+8 कार्पल थी, और ये है टार्सल। इसमें ध्यान रखना है टार्सल और कार्सल के अंदर, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाओगे। देखो ये हो गया 14, अब याद रखना है टांग के अंदर टार्सल होती है ना, टांग में जो होती है वो क्या होगी, टार्सल होगी। तो टांग के अंदर कौन सी होगी, टार्सल होगी, और जो हाथ में है वो कार्पल होगी, टांग में होगी वो टार्सल होगी। तो टार्सल है तो मेटा टार्सल भी होगी, 5+5=10 और उसके बाद में फेलेंजेज 14 और उसके बाद में पटेला, पटेला बोन होगी, एक बोन होगी भैया यहाँ पे, गोल बोन होगी, हाँ वो वाला, वो उधर वाला, इस साइड में सबसे ये, हाँ ये, हाँ ले आओ ये वाला, ये पटेला बोन है, जो नी कैप बोलते हैं, ये घुटना है ना, उस घुटना के अंदर, घुटना पे, जैसे यहाँ पे देखिए, कैमरा को घुमाइए, कैमरामैन जी कैमरा घुमाइए, ये वाला बोन है, ये पटेला बोन है ना, यहाँ पे ये लगी हुई रहती है, दो जो घुटना वाला जॉइंट है, इस जॉइंट, दोनों जॉइंट के बीच में जो नी जॉइंट है, इस जॉइंट के बीच में ये जो बोन होती है पटेला बोन, जो आप देखना, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे टिक टक लगाइए, इसमें जो बोन है ये जरा गोल गोल बोन है, वो पटेला बोन है। ठीक है, देखिएगा वो होगी आपका पटेला बोन, तो ये टोटल होगी 60 बोन। अब अपन 6 बोन है उसके बारे में वर्णन करेंगे, तो लोअर लिम के अंदर कितनी होगी बोन, 60 बोन होगी, अपर लिम के अंदर कितनी होगी, 60 बोन हो गई। ठीक है, और एक एक बोन के बारे में बात कर लिया, कौन सी टीबिया है, कौन सी फिबुला है, टीबिया कहाँ पे लोकेटेड होती है, फीमर कहाँ पे लोकेटेड होती है, उसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करें कि यदि आपको टार्सल बोन लिखना है, टार्सल बोन लिखना है कि टार्सल बोन है वो टोटल 14 बोन होती है, 7 बोन होती है, वो कौन कौन सी होती है, नेम की बात करें तो लिख लीजिएगा 7 बोन के अंदर, सबसे पहले है टेलस, टेलस बोन है एक, जिसको बोलते हैं एंकल बोन, एडी की बोन, एंकल बोन है ना, दूसरा है आपका नेविकुलर बोन, नेविक्यूलर बोन, नेविक्यूलर बोन, उसके बाद में है क्यूनिफॉर्म बोन, क्यूनिफॉर्म बोन, उसके बाद में है कैल्केनस, 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 उसके बाद में है क्यूबॉइड बोन, क्यूबॉइड बोन, कैलकुलस बोन को हील बोन के नाम से जाना जाता है, हील बोन, एडी की बोन है ना। अब देखिएगा ये होती है, अब कितना हुआ, टेलस बोन एक, यहां पे लिख देता हूं, ये एक हो गया, टेलस बोन कितनी हुई एक, नेविक्यूलर बोन कितनी हो गई एक, क्यूनिफॉर्म बोन कितना हो गया 3, और उसके बाद में कैल्केनस कितना, कैल्केनस कितनी हो गई 1, और उसके बाद में क्यूबॉइड बोन कितनी होगी 1, कितना हुआ 1, 2, 3, 4 और 3, 7 हुआ ना, हुआ 7 बोन। इसके अंदर अपन क्या पढ़े, जो ये टार्सल बोन है टोटल 7 बोन है,
टार्सल बोन, सात बोन, टार्सल टांग की बोन, इसके अंदर टेलस बोन जिसको एंकल बोन के नाम से जाना जाता है, दूसरा है नेविकुलर, नेविकुलर मतलब नाव के आकार की होती है बोन, नाव जो होती है ना उसके आकार की होगी वो एक बोन है, क्यूनिफॉर्म बोन तीन बोन होती है, ध्यान रखना इसमें क्यूनिफॉर्म तीन होती है, उसके बाद में कैलकेनस हील की बोन, एडी की बोन, जो एडी होती है ना एडी, उस एडी वाली जो बोन से टच होती है वो कैलकेनस होती है, और उसके बाद में है क्यूबॉइड बोन होती है वो एक होती है, ठीक है। तो अब याद कैसे रखोगे, इसके अंदर थ्री सी आ रहा है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तो थ्री सी और उसके बाद में एन टी, थ्री सी एन टी ऐसे याद रखोगे। तीन सी से हैं, सी से कौन कौन सी है, क्यूनिफॉर्म, कैलकेनस और क्यूबॉइड, और क्यूनिफॉर्म होती है वो तीन होती है, और कैलकेनस और क्यूबॉइड होती है वो एक एक होती है, और नेविकुलर बोन, और ये है टी से होगा टेलस बोन, ठीक है ना, जो एंगल बोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलेगा एंगल बोन का नाम बताइए, दूसरा बोलेंगे कि हील बोन कौन सी होती है, ठीक है ना, तो ये अपना होगी टार्सल बोन। अब पढ़ते हैं अपन दो ग्रिडल, जो पेल्विक ग्रिडल और शोल्डर ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल और शोल्डर ग्रिडल। सबसे पहले पढ़ते हैं शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल जिसके अंदर फोर बोन होती है, कौन कौन सी, स्केपुला, स्केपुला कितनी होगी, दो, वन प्लस वन, और उसके बाद में ये वाली इसके पुला है, ये वाला आप हाथ को ऐसे कीजिए, ऐसे हाथ को कीजिए और यहाँ पे देखिएगा आपका उभरा हुआ पार्ट यहाँ से निकलेगा, ये वाला आपका जो पार्ट है वो है इसके पुला, ठीक है। दूसरा है यहाँ से आपने देखा होगा, यहाँ से जो हड्डी बोन जुड़ी हुई है ये वाला, ओनली हॉरिजेंटल बोन ये होती है, ये वो होगी क्लेविकुलर बोन, क्लेविकुलर बोन जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, जो महिला ज्यादा दिखाती है ना, यहाँ पे महिला का दिखती है सबसे ज्यादा बोन, है ना, ब्यूटी बोन बोलते हैं जिसको। तो ये कितना बोन हो गया, एक इस साइड में और एक इस साइड में, कितना हो गया, वन प्लस वन, वन प्लस वन बराबर कितना हुआ, टू, और टू और टू कितना हुआ, चार। पे ये है शोल्डर ग्रिडल के अंदर, देखिएगा इसके अंदर, देखिए इसके अंदर देखिएगा, ये वाला, ये वाला है, ये देखो इस आकार का है ना, ये वाला है, ये इसके पुला है, आप देखना आइडेंटिफाई कर लेना, या आप हाथ को ऐसे करोगे तो ये वाला जो आपको उभार दिख रहा है ये क्या है, इसके पुला वाला पार्ट है, ठीक है ना, और ये पार्ट इसके पुला वाला पार्ट, और दूसरा है ये जो बोन है देखो यहाँ पे, ये क्लेविकुलर बोन है, एक ओनली वन बोन हॉरिजेंटल बोन है जो ऐसे है, दूसरी सारी बोन होती है वो कैसे होती है, और वर्टिकल होती है, तो हॉरिजेंटल बोन है और दूसरा ये यहां से है, ठीक है। तो ये क्लेविकुलर बोन एक, और ये एक, दो, दो और ये इसके पुला तीन, और एक इसके पुला चार, हुआ कि नहीं हुआ, चार बोन, तो ये अपने हैं क्लेविकुलर बोन, और शोल्डर बोन, ये इसके पुला बोन और क्लेविकुलर बोन होता है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, शोल्डर ग्रिडल, है ना, तो ये ग्रिडल वाला पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। दूसरा है पेल्विक, पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल जिसको बोलते हैं हिप बोन, हिप बोन, और हिप बोन कितना होता है, टू, तो फोर प्लस टू बराबर सिक्स, हुआ कि नहीं हुआ। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर अपने पढ़ लिए साठ बोन, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर साठ बोन, और उसके बाद में दो ग्रिडल, ग्रिडल के बारे में पढ़ लिया जिसमें शोल्डर और पेल्विक, इनके अंदर पढ़ ली सिक्स बोन, टोटल हुआ 126 बोन, ठीक है। तो आई हैव होप कि आपको सारा बोन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके अलग अलग पार्ट, इसके अलग अलग इस यूनिट के अंदर कुछ मेडिकल टर्म हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गन रहेंगे, क्या क्या अपन उसके बोन के बारे में क्या फंक्शन होते हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।